ओके हेलो एवरीवन, कैसे हुए आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बच्चे बहुत अच्छा कर रहे होंगे अपनी जिंदगी के अंदर, अपनी पढ़ाई के अंदर। हेलो प्रिंस, हेलो इशिता, गोलू, साइलेंट, अर्चू, यस वैभव, आशु, गुड इवनिंग, एंड एस्पिरेंट, हेलो बच्चा, खुशी चौधरी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एवरीवन, एंड यू ऑल नो, गुड इवनिंग डॉक्टर प्रभात, जेपी शर्मा, गुड इवनिंग, यस यस एवरीवन, बहुत बढ़िया। चलिए देखिए, आप सबको पता है कि हमारी जो क्लास का टाइम होता है वो डेली शाम को 5 बजे होता है, ठीक है? इतना ही बताना था। ऊपर कोड दिख रहा होगा, इफ यू वॉन्ट टू बाय एनी थिंग यू कैन बाय इट यूजिंग माई कोड, दैट इज Y697 एंड यू विल गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट, राइट? चलिए, ओके आशु जी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, वेलकम टू द क्लास। अब चलिए, आपके सामने कुछ क्वेश्चंस आपको नजर आ रहे होंगे, पहले मैं देख लूं कि सही। हाँ ठीक है, आपका फतेह सीरीज जो है वो आज से शुरू हो गया है, तो फर्स्ट 30 क्वेश्चंस आज हम करेंगे, फर्स्ट 30 क्वेश्चंस हम करेंगे। तो फटाफट से देखो, प्लेसेंटा पेरिकार्प आर बोथ एडिबल इन पोर्शन, इसमें भाई एप्पल, बनाना, टमेटो एंड पोटैटो, कौन सा एक ऐसा आपका प्लांट है या आपका एक ऐसा फ्रूट बोल लो, वेजिटेबल बोल लो, क्योंकि ऑप्शंस में दोनों है, जहां पे आप प्लेसेंटा एज वेल एज पेरिकार्प भी खाते हैं। प्लेसेंटा यहाँ पे फ्यूनिकल के टर्म में बोला गया है, आप सभी को ये चीज पता होनी चाहिए, कोई ये ना करे मैम हमको नहीं मालूम है। यस गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग, यस फतेह कर देंगे, बिल्कुल सतह से फतेह तक चलेंगे, बिल्कुल चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं। प्लेसेंट एंड पेरिकार्प आर बोथ एडिबल पोर्शन इन एप्पल, देखते ही एप्पल आंसर उसका वो जरूरी थोड़ी है भाई, एप्पल देख के एप्पल ही उसका आंसर हो ये कोई जरूरी थोड़ी है। एप्पल आपका एग्जाम्पल है फॉल्स फ्रूट का, एप्पल आता है कहाँ पे बेटा? फॉल्स फ्रूट पे पूछा जाता है, पार्थिनो कार्पी पे पूछा जाता है ना, और कहीं ना थोड़ी आएगा कि भी जहां मन करे वहां पे इसको डाल दो। चलो बनाना भी आपका पार्थिनो कार्पी में आ गया, टमाटो सही आंसर हो जाएगा भाई, जहां पे प्लेसेंटा और पेरिकार्प सबको खाते हो, कैसा दिखता है टमाटो? टमाटो आप जब बनाते, देखो मेरी ना थोड़ी शेप खराब सी बनती है, इतनी अच्छी मुझे बनाना आता नहीं है, तो यहाँ पे प्लेसेंटा होता है ना, यहाँ पे आपके ओव्यूल्स होते हैं, तो ये बीच में प्लेसेंटा का रीजन नहीं होता क्या, जिसको बड़े चाव से खाते हो? कुछ लड़कियां मेरे जैसे ही फेस में भी लगाती होंगी, रगड़ती होंगी पूरा कि गोरे से हो जाए हम, है ना? यस, तो आपका आंसर क्या होगा बेटा? टमाटो हो जाएगा। ये सीरीज चलेगी बिल्कुल, Top 300 questions की सीरीज आपकी चलने वाली है, यस एवरीवन, ये आपके हर सब्जेक्ट की है। आप ओ माय गॉड भाई साहब, आपसे नहीं पूछा मैंने कुछ। यस चलिए, बहुत बढ़िया, आगे चलो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट आपका यहाँ पे करेक्ट है, बताइए जल्दी से, जल्दी बताइए। द सीड इन ग्रास इज नॉट एंडोस्पर्मिक, कि जो सीड होता है ग्रास के अंदर वो एंडोस्पर्मिक नहीं है। मैंगो इज अ पार्थिनोकार्पिक फ्रूट, अ प्रोटीनियस एल्यूरोन लेयर इज प्रेजेंट इन मेज ग्रेन, इट्स नॉट गेन, इट्स ग्रेन एक्चुअली, यस इट्स ग्रेन, यस। आगे देखो, आगे क्या है, अस्टेराइल पिस्टल इज कॉल्ड स्टेमिनॉइड। अब बताइए यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, आपको मैं टाइम दे रही हूँ, वेलकम टू द क्लास इशिता बेटा, देखो मैं आपको टाइम दे रही हूँ यहाँ पे बकायदा आंसर करने के लिए, कि आप आराम से पढ़ो और ये आप फिलहाल के टाइम पे एक्यूरेसी डेवलप करो, स्पीड तो मैं आपकी मैराथन में करा दूंगी। यस चलो बताओ अभी जल्दी से, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, द सीड इन ग्रास इज नॉट एंडोस्पर्मिक, मैंगो इज अ पार्थिनोकार्पिक फ्रूट, अ प्रोटीनियस एल्यूरोन लेयर इज प्रेजेंट इन मेज ग्रेन, अ स्टेराइल पिस्टल इज कॉल्ड अ स्टेमिनॉइड। यस सी, यस सी। देखो पहली बात तो इसने कहा आपका ग्रास के बारे में, हम सबको पता है बेटा ग्रास कैसी होती है, ग्रास आपकी पोएसी फैमिली से बिलोंग करती है, एंड इट इज अ मोनोकोट, ग्रास इज अ मोनोकोट, राइट? तो मोनोकोट के अंदर तो एंडोस्पर्म होगा ना, तो इसने नॉट लिखा तो ये गलत हो गया स्टेटमेंट, यहाँ पे नॉट नहीं आना चाहिए था। फिर लिखा मैंगो इज अ पार्थिनोकार्पिक फ्रूट, नो नो नो, पार्थ मैंगो इज फॉर्म फ्रॉम ओवरी, ओवरी से मैंगो बनता है, तो इट कांट बी पार्थिनोकार्पिक, ये ट्रू फ्रूट होता है, तो ये गलत हो गया यहाँ पे, ये चीज बिल्कुल सही लिखी है। देखो आपको मेज दिखता है कुछ इस तरीके का बेटा, यहाँ पे एक लेयर होती है इस तरीके से, ये एल्यूरोन लेयर होती है, यहाँ पे एंडोस्पर्म होता है, यहाँ पे एम्ब्रियो होता है, इन दोनों को एंडोस्पर्म को एम्ब्रियो को सेपरेट करने के लिए मोनोकोट्स में एल्यूरोन लेयर होती है जो प्रोटीन के बनी होती है, ठीक है? एल्यूरोन के बारे में खास चीज ये होती है कि ये जो एल्यूरोन लेयर बनती है ये एंडोस्पर्म की वजह से बनती है, किसकी वजह से बनती है बेटा? एंडोस्पर्म
एंडोस्पर्म की वजह से बनती है, और ये भी 3n in होता है, यानी ट्रिप्लॉइड होती है। अगर इसका कभी प्लॉइड ही पूछ लिया जाए तो ट्रिप्लॉइड आएगा, ये भी आप आंसर रखेंगे यहाँ पे ध्यान में। ठीक है जी, ठीक है। चलिए मैम, वॉइस थोड़ा स्लो आ रहा है। आशु जी, वॉइस थोड़ा स्लो आ रहा है, ऐसा होना तो नहीं चाहिए, पर अगर ऐसा है तो हम अभी टेक टीम को बुला लेंगे। ठीक है जी, आगे देखो। कह रहे स्टेराइल पिस्टल इज कॉल्ड स्टेमेनॉइड, ऐसा कुछ नहीं होता, उसको भी हम पिस्टल ही बोलते हैं। यस, चलिए। नहीं बेटा, डी आंसर बिल्कुल भी सही नहीं है। इशिता सिंह कह रही कि मैम आप बहुत क्यूट हो, मालूम तो मुझे, मुझे भी है बेटा, बस गुमान नहीं करती मैं। यस, अब देखो यहाँ पे इसने एक चीज लिखा था, मैंने आपको अभी भी बोला कि हम उस पिस्टल को पिस्टल ही बोलेंगे। स्टैमिनोइड किसको बोलते हैं? स्टैमिनोइड हम बोलते हैं स्टेराइल, स्टेमन को, स्टेमन को स्टैमिनोइड बोलेंगे ना। चलिए, सचिन कह रहा है आई लव यू मैम। बेटा कितनी सिमिलैरिटीज है हम लोगों के अंदर ना, देखो आप भी मुझसे प्यार करते हो, मैं भी खुद से प्यार करती हूँ ना, लाइक सेम सेम पिंच। यस, आगे चले। एन एग्जाम्पल ऑफ एडिबल अंडरग्राउंड स्टेम इज, आपका एडिबल अंडरग्राउंड स्टेम का एग्जाम्पल क्या है? कैरेट, ग्राउंडनट, स्वीट पटेटो एंड पटेटो। देखो ये वाला क्वेश्चन ना एक जगह पे इवोल्यूशन में भी आता है। अगर मैं आपको कहूं कि आपके पास एक एनालॉगस का एग्जाम्पल है यहाँ पे, जिसको हम बोलते हैं कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का एग्जाम्पल, यहाँ पे आपके पास है। कहाँ पे आपके पास बेटा? वॉइस प्रॉब्लम है प्लीज। एनालॉगस स्ट्रक्चर, एनालॉगस स्ट्रक्चर का भी यहाँ पे आपके पास एग्जाम्पल है, जहां पे हम बात करते हैं। वो दूसरे वाला माइक दे दो, उसमें आवाज अच्छी आती है, इसमें माइक नहीं आती, आवाज नहीं आती। यस, क्या कहा भाई मैंने? एनालॉगस जो है ये कन्वर्जेंट इवोल्यूशन भी दिखाता है, जिसके अंदर बोला जाता है कि भाई आपका स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा, फंक्शन सेम होगा। तो ये दोनों जो है आपका फूड स्टोर करते हैं, इस तरफ कर लेते हैं इसको, इस तरफ कर लेते हैं। ये दोनों क्या करते हैं बेटा? फूड स्टोरेज का काम करते हैं। किसका काम करते हैं? फूड स्टोरेज का काम करते हैं। बट वहीं पे पोटैटो इज अ स्टेम एंड बट स्वीट पोटैटो इज अ रूट, स्वीट पोटैटो इज अ रूट। तो यहाँ से हमारे दो क्वेश्चन हुए, ये तो हुआ ही हुआ, साथ में ये भी हुआ कि भैया एनालॉगस ऑर्गन है। कई बार पेपर में पूछा जाता है स्वीट पोटैटो एंड पोटैटो कौन सा इवोल्यूशन है, इट इज कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, राइट। चले आगे बेटा, चले आगे देखो। आगे कह रहे कि पॉलन टैबलेट्स आर अवेलेबल इन द मार्केट फॉर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ब्रीडिंग प्रोग्राम, सप्लीमेंट्री फूड एंड एक्सीटू कंजर्वेशन। यस, मनदीप प्रधान वेलकम टू द क्लास, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग मनदीप जी, आपका स्वागत है हमारी क्लास में। यस, वॉइस प्रॉब्लम बेटा, मैंने बोल दिया है रीता, बोल दिया है मैंने। यस, बताओ जल्दी से। तो हम सबको पता है कि पॉलन ग्रेन के अंदर आपके दो सेल्स होते हैं, एक वेजिटेटिव एक जेनरेटिव होता है। जेनरेटिव वाला जो होता है वो मेल गैमिट के जैसे बिहेव करता है, बट जो वेजिटेटिव वाला होता है उसके अंदर फूड स्टोरेज होता है जेनरेटिव सेल्स के लिए। तो वो एज अ फूड स्टोरेज काम कर रहे, तो वहां पे हमारे पास अच्छा खासा न्यूट्रिशन है देने के लिए। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आएगा? सप्लीमेंट्री फूड। हालांकि इसको कुछ एथलीट्स अपना स्टेमिना बढ़ाने के लिए यूज करते हैं, बट वी नेवर कंसिडर पॉलन टैबलेट्स इनटू ड्रग्स। यू हैव टू रिमेम्बर कि ये ड्रग्स में नहीं आपका, बल्कि सप्लीमेंट फूड में इंक्लूड होते हैं, राइट। आगे देखो, फंक्शन ऑफ फिलीफॉर्म ऑपरेटर्स इज, आपका फिलीफॉर्म ऑपरेटर्स का फंक्शन क्या है? देखिए, कह रहा है कि रिकॉग्नाइज द सूटेबल पॉलन एट सिग्मा, स्टिम्युलेट डिवीजन ऑफ जनरेटिव सेल, प्रोड्यूस नेक्टर, गाइड द एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब। तो आप लोगों को मैंने एक चीज समझाई हुई है, अगर आप रेगुलरली मेरे सेशंस को रोजाना देखते हैं, अटेंड करते हैं, तो आपको पता होगा कि मैम ने बताया हुआ है कि आपका जो केमिकल इंटरेक्शन होता है दो जगह पे होता है। पहला केमिकल इंटरेक्शन होता है जब स्टिग्मा के ऊपर पॉलन ग्रेन आता है, तो वो आपस में डायलॉग करते हैं। डायलॉग क्या करते हैं कि आपका स्टिग्मा जो है एक एक्वस लिक्विड छोड़ेगा, उसको अब्सॉर्ब करेगा पॉलन। अगर उसने वो अब्सॉर्ब कर लिया तो वो जर्मिनेट कर जाएगा, यानी उसके सेम स्पीशीज का है। अगर नहीं किया उसने अब्सॉर्ब, तो मतलब सेम स्पीशीज का नहीं है, राइट। पहला केमिकल इंटरेक्शन। सेकंड वन इज सिनर्जिड्स के ऊपर फिलीफॉर्म ऑपरेटर्स होता है। फिलीफॉर्म ऑपरेटर्स एक केमिकल रिलीज करता है जो कि पॉलन ट्यूब को बताता है कि जीजा जी इधर से आइए, है ना। वो आपका किसका? जीजा जी होते हैं उनके, पॉलन ट्यूब को गाइड करता है वो, ठीक है। ये आपका हो जाएगा ये वाला। एक इसका नाम पूछ लिया जाता है, इसको हम बोलते हैं कीमोट्रोपिक इफेक्ट। ये क्या होता है बेटा? आपका
ट्रॉपिक इफेक्ट ये आपका बोला जाता है, ठीक है, पूछ लिया जाता है और दो जगह होता है ये पूरा, ये भी आप याद रखोगे। यस, फतेह बैच को इजी ने लॉन्च किया था आपने। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है। रवि शर्मा जी, आई थिंक आप तो बेटा पैदा भी नहीं हुए थे तब से पहले लॉन्च हो चुका है फतेह, ठीक है, लास्ट टाइम भी फतेह बैच हम लॉन्च कर चुके, ऐसा कुछ नहीं है। आप अपने पढ़ने से मतलब रखिए, इधर उधर की बातें मत करो, इधर उधर की बातें करने वाले इधर उधर हो जाते हैं, ठीक है, भीड़ के नीचे दबके रह जाते हैं। पढ़ लो, पढ़ा जाता नहीं है, बकवास करा लो इनसे। आगे देखो, जिटनोगैमी इन्वॉल्व्स, जिटनोगैमी के अंदर क्या आता है? पहला बोल रहे हैं, पॉलिनेशन ऑफ अ फ्लावर बाय द पॉलन फ्रॉम अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। फिर कह रहे हैं पॉलिनेशन ऑफ फ्लावर बाय द पॉलन फ्रॉम अनदर सेम फ्लावर। फिर कह रहा है कि आपका पॉलिनेशन ऑफ अ फ्लावर बाय द पॉलन ग्रेन फ्रॉम अ फ्लावर ऑफ अनदर प्लांट इन अ सेम पॉपुलेशन। फिर कह रहा है पॉलिनेशन ऑफ अ फ्लावर बाय द पॉलन फ्रॉम अ फ्लावर ऑफ अनदर प्लांट बिलोंगिंग टू अ डिस्टिंक्ट पॉपुलेशन। पहली बात तो ये हमको पता है, जिटनोगैमी के अंदर प्लांट सेम रहता है, फ्लावर अलग अलग होता है, तो जहां पे भी डिफरेंट प्लांट है ना उसको एलिमिनेट कर दो। यहाँ पे इसने बात करी है डिफरेंट प्लांट्स की, अनदर प्लांट काट दो इसको। फिर यहाँ पे भी सेम बात की है, अनदर प्लांट काट दो इसको। पॉलिनेशन ऑफ अ फ्लावर बाय द पॉलन फ्रॉम अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट, दैट्स द करेक्ट वन, दैट्स द करेक्ट वन। यहाँ पे इसने क्या बात की है, पॉलन ग्रेन अनदर सेम सेम प्लांट, इसने यहाँ पे ये वाला अनदर एक्स्ट्रा लगा हुआ है। यहाँ पे सेम फ्लावर की बात करें, ये ऑटोगैमी होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे बेटा, ए हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा जी, ए हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो, नॉन एल्ब्यूमिनस शीट इज प्रोड्यूस्ड इन, नॉन एल्ब्यूमिनस शीट्स कहाँ प्रोड्यूस होते हैं, मेज, कैस्टर, वीट एंड पी। पहली बात तो ये आपके जो सीड्स होते हैं दो तरीके के होते हैं, एक जिसको हम बोलते हैं एल्ब्यूमिनस, एक दूसरा नॉन एल्ब्यूमिनस। नॉन एल्ब्यूमिनस वो होते हैं जिसके पास कोई एंडोस्पर्म नहीं होता है। अब यहाँ पे ध्यान रखो, नॉन एल्ब्यूमिनस मतलब कि देयर इज नो एंडोस्पर्म, जो हमारा एम्ब्रियो था उसने सारा का सारा यहाँ पे इस्तेमाल कर लिया है हमारे एंडोस्पर्म को, कोई एंडोस्पर्म बाकी नहीं है। ज्यादातर ये डाइकोट्स में होता है बेटा, ज्यादातर किसमें होता है, ये डाइकोट में होता है। तीसरी चीज, डाइकोट में होने के अलावा यहाँ पे आपको हमेशा याद रखना है, क्या यहाँ पे फूड स्टोरेज होगा, बिल्कुल होगा। कहाँ होगा, कॉटिलेडॉन्स में होगा। यहाँ पे जो स्टोरेज होता है, स्टोरेज का काम किसमें होता है, फिर कॉटिलेडॉन्स के अंदर होता है, कभी भी एंडोस्पर्म की फॉर्म में नहीं होता है। और यहाँ पे हमारे पास एक एग्जाम्पल है, दैट इज पी। इसके अलावा सारे मोनोकोट के एग्जाम्पल है, एल्ब्यूमिनस सीड के एग्जाम्पल है, सिर्फ एक ऐसा है जो कि किसका है भैया, हमारा पी का है। यस एवरीवन, डी क्लियर है, यस। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। शानवी, शानवी, सोनम, प्रिंसेस, बहुत बढ़िया बेटा। यस आशु, आशु बेटा गलत हो गए आप थोड़ा सा। सुधांशु रंजन, क्या हो गया सुधांशु, किस लिए हाथ जोड़े खड़े हो? यस, आगे चलिए, आगे देखो भाई, कह रहे कि फर्स्ट ह्यूमन हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी इज इंसुलिन, एस्ट्रोजन, थायरोक्सिन एंड प्रोजेस्टेरोन। और मुझे अभी भी याद आया है कि मेरे को ना सेशन शेयर करना था और मैंने सेशन शेयर नहीं किया, और मेरे ना पेट वाले बच्चे मेरे को खा जाएंगे फिर, मतलब खा तो क्या जाएंगे, फिर मेरे को कहेंगे मैम आपने बताया नहीं, क्या करते हो आप ही नहीं शेयर करोगे सेशन को, तो फिर कौन करेगा। अच्छा, इसीलिए दिख नहीं रहा है इस पे, ठीक है ठीक है ठीक है, दिख नहीं रहा है ये बच्चों को। ओके, अभी दिमाग में आ रहा है मेरे क्यों कम बच्चे हैं आज, इसलिए अपने दोस्तों को शेयर करो भाई, उनको स्क्रीन पे दिख नहीं रहा होगा ना आज सेशन, तो उनको शेयर करो फटाफट से। पहले मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया इस चीज पे, ध्यान ही नहीं दिया मैंने तो इधर। ओह माय गॉड, ये तो इशू हो गया ना, सेशन तो दिखता ही नहीं है स्क्रीन पे, इसलिए गड़बड़े होती हैं, इसलिए कम बच्चे आते हैं। चलो कोई नहीं, तब तक मैं खुद ही शेयर कर देती हूँ ये, तब तक आप बताइए आंसर क्या हो जाएगा भाई यहाँ पे। द फर्स्ट ह्यूमन हॉर्मोन प्रोड्यूस्ड बाय रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, यस। Yes, we all know it is insulin. Yes, we all know. क्या हो गया?
यस, थैंक यू सो मच विशाल। यस, तो वी ऑल नो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा बेटा, इंसुलिन आ जाएगा। इंसुलिन इज द वन जो हमने पहली बार वहां पे FSH रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से बनाया था, राइट। आगे देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्गली मैच्ड, कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे रॉन्गली मैच्ड है। पहला ट्रांसक्रिप्शन, राइटिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए टू टीआरएनए, रॉन्गली मैच देखना है। ट्रांसलेशन, यूजिंग इंफॉर्मेशन ऑफ RNA to make proteins. Repressor protein binds to a operator to stop enzyme synthesis. फिर operon, structural gene, operator and promoter. Yes everyone, बताइए, बहुत इजी है। देखो बेटा, इसलिए पहले में क्या कहा कि ट्रांसक्रिप्शन के अंदर ना जी इंफॉर्मेशन डीएनए से टीआरएनए में जाती है, एक्चुअली पूरी इंफॉर्मेशन डीएनए से आरएनए में जाती है, ना कि टीआरएनए में। टीआरएनए का काम है अमीनो एसिड्स को ट्रांसपोर्ट करने का, दूसरा एमआरएनए को रीड करने का। तो यहाँ पे ये वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, एक्चुअली यहाँ पे एमआरएनए होना चाहिए ना कि टी, क्या होना चाहिए, एमआरएनए। हमको पहले स्टेटमेंट पे ही पता चल गया जी रॉन्गली मैच्ड यही है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा बेटा, ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। यस, आगे चले, आगे देखो, an analysis of chromosomal DNA using the southern hybridization technique does not use, बताओ, electrophoresis, blotting, autoradiography and PCR, an analysis of chromosomal DNA using the southern hybridization technique does not use, बताओ भी बताओ। यस, गुड इवनिंग बेटा मनीष जी, गुड इवनिंग। यस, बताओ जल्दी से क्या हो जाएगा। देखो आपको मैं बता देती हूँ यहाँ पे अभी कुछ चीजें, जो आपको नहीं भी मालूम है तो कोई बात नहीं, मैं आपको बता देती हूँ, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है। सदन ब्लॉटिंग का मतलब होता है, जब भी आपके पास एक वर्ड आता है सदन ब्लॉटिंग का हमेशा ही मतलब डीएनए से रहता है। जब हम बोलेंगे ना सदन ब्लॉटिंग कर रहे हैं, मतलब कि डीएनए एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं। मैंने कहा नॉर्दर्न ब्लॉटिंग कर रहे हैं, मतलब प्रोटीन को कर रहे हैं, ईस्टर्न कर रहे हैं प्रोटीन को कर रहे हैं, वेस्टर्न कुछ नहीं होता, ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। और पीसीआर जो होता है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन जो होता है ना बेटा, ये आपका कभी भी यहाँ पे सदन ब्लॉटिंग का पार्ट नहीं होता। आप मैम क्यों नहीं, क्योंकि हमको यहाँ पे डीएनए का एक्सट्रैक्शन करना होता है, ना कि उसकी मल्टीपल कॉपीज। पीसीआर फॉर मेकिंग सो मैनी कॉपीज ऑफ योर डीएनए, बट यहाँ पे हमको वो काम नहीं करना है। नॉर्दर्न साउदर्न ब्लॉटिंग में वो चीज आपकी नहीं आती, हमको वहां पे डीएनए को एनालाइज करना है, एक्सट्रैक्ट करना है, ब्लॉट करना है, वहां पे इलेक्ट्रोफोरेसिस, ब्लॉटिंग एंड ऑटो रेडियोग्राफी चेक करने के लिए चाहिए होती है, राइट। आगे चले, आगे कह रहे हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन वॉज डिस्कवर्ड बाय मैसलन एंड स्टेला, हर्शे एंड चेस, ग्रिफिथ, वॉटसन एंड क्रिक। यस, बताइए जल्दी से, बहुत आसान है ये, बहुत आसान है आपके लिए ये, देखिए बिल्कुल हल्का सा प्रश्न है, बहुत हल्का सा। Transformation was discovered by, yes everyone, you are doing too good, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत ज्यादा अच्छा कर रहे हैं आप सभी, और मैं बहुत खुश हूं आप सभी से। तो आप जल्दी से अच्छे से बता दो भी क्या आंसर यहाँ पे होगा। Yes, तो we all know 1928 में, मैं बहुत अच्छी हूँ बेटा, 1928 में फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने हमारी डिस्कवरी की थी, जहां पे उन्होंने स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया की दो दो कॉलोनीज डेवलप की थी। यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल भी आता है, हालांकि इन्होंने आपका कोई सिद्ध नहीं करा था कि कौन जेनेटिक मटेरियल है, वो वाला कंसेप्ट। इसी के वर्क को रीडिस्कवर किसने किया है, ये भी प्रश्न कई बार आ जाता है। तो इसके वर्क को रीडिस्कवर वाले करने वाले कौन कौन थे, डीवेरिस, कॉरेन एंड स्मॉल। यस, नहीं, मैक्लियोड, मैकार्टी एंड एवरी, वो मैंने गलत बता दिया, मैंने उसके मेंडल की बता दिए थे। यस, मैकार्टी, मैक्लियोड एंड एवरी, ये इन्होंने इसके वर्क को रीडिस्कवर किया था। आगे चलो, आगे देखो, विच वेक्टर कैन क्लोन ओनली अ स्मॉल फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए, बैक, यैक, प्लाज्मिड एंड कॉस्मिड। ये मैंने पता नहीं कितनी बार ही, यस मैम आपकी क्लास में एक रिक्वेस्ट डाली था, कौन सी रिक्वेस्ट डाली थी, मेरी तबीयत बढ़िया है दीपक, यस बहुत अच्छी तबीयत है मेरी फिलहाल के टाइम पे, आप लोगों की दुआ है कि मैं अच्छी हूं। यस, बताओ जल्दी से, जल्दी बताओ भाई।
यस सी प्लाज्मिड, वी ऑल नो प्लाज्मिड आ जाएगा यहाँ पे। यैक इज द वन जिसके अंदर हम लार्जेस्ट डालते हैं, यैक इज द वन जिसके अंदर हम लार्जेस्ट डाल सकते हैं, प्लाज्मिड इज द वन जिसके अंदर हम छोटे वाला डालते हैं, छुट्टी वाला। आगे देखो, एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सीटू कंजर्वेशन इज, एक्सीटू कंजर्वेशन का एग्जाम्पल कौन सा है? नेशनल पार्क, सीड बैंक, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सेक्रेट ग्रोव्स। यस एवरी वन बताओ जल्दी से एक्सीटू का कौन सा यहाँ पे है, अलग से आपको पता चल रहा है। देखो जब हम कंजर्वेशन करते हैं तो दो तरीके से कंजर्वेशन करते हैं, एक कंजर्वेशन होता है इन सीतु, इन सीतु यानी जो जहां पे है वहीं पे उसको कंजर्व कर दो, वहीं पे उसको प्रोटेक्ट कर दो। दूसरा कंजर्वेशन होता है बाहर ले जाओ उसको, कहीं और जगह पे करो कंजर्व उसको, ठीक है। अब यहाँ पे इसने बोला है एक्स सीतु मतलब कहीं और ले जाओ, तो नेशनल पार्क अपनी जगह पे ही रहेंगे, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अपनी जगह पे रहेगी, सेक्रेट ग्रोव अपनी जगह पे रहेगी, यहाँ पे शीड बैंक है, शीड बैंक जहां पे हम क्रायो प्रिजर्वेशन करते हैं, क्रायो टेक्निक हमारी यूज होती है, जहां पे -196 कितना -196 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हम यूज करते हैं नाइट्रोजन का, इन ऑर्डर टू प्रिजर्व द सीड जर्म्स, राइट। और ये हमारा एक्स सीतु होता है ना कि इन सीतु। आगे देखो बेटा, allocation with luxuriant growth of lichen on the tree indicate that tree are very healthy, tree are heavily infested, location is highly polluted, location is not polluted. Yes everyone, बताइए क्या आंसर हो जाएगा? Yes. बताइए। यस यस मिक्स बेटा प्रशांत, मिक्स है, मैंने यहाँ पे इंपॉर्टेंट लिखा तो मतलब मिक्स होंगे यहाँ पे। देखो अब यहाँ पे अगर आपको एक बात पता है कि लाइकेन जो होती है, लाइकेन इज अ इंडिकेटर, इंडिकेटर ऑफ व्हाट? इट इज अ इंडिकेटर ऑफ एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन के अंदर भी इसका जो पॉल्यूटेंट है वो आपका स्पेसिफाइड है सोडियम सल्फर डाइऑक्साइड। कौन सा है भैया? सल्फर डाइऑक्साइड। इसका स्पेसिफाइड है कि सल्फर डाइऑक्साइड जहां होगा वहां पे ये बिल्कुल भी ग्रो नहीं करेगी। तो यहाँ पे ट्री हेल्दी है इसका कोई मतलब नहीं है, ट्री हेवनली इन्वेस्टेड है इसका भी कोई मतलब नहीं है, लोकेशन जो हमारी है वो हमारी पॉल्यूटेड नहीं है तभी इतने ग्रो किया। ये कभी भी ऐसी जगह पे ग्रो नहीं करती है जहां पे पॉल्यूशन हो, ये आपकी साफ सुथरी जगह पे ग्रो करती है। अगर इन्वायरमेंट अच्छा है, पॉल्यूशन फ्री है, देन इट विल ग्रो, राइट। तो आंसर इज डी, इट इज नॉट पॉल्यूटेड, लोकेशन इज नॉट पॉल्यूटेड। आगे देखो बेटा, द जोन ऑफ एटमोसफेयर इन विच ओजोन लेयर इज प्रेजेंट इज कॉल्ड, एक ऐसा एटमोसफेयर आपका जहां पे ओजोन लेयर रहती है, कौन सा है? आइनो, मीजो, स्ट्रेटो एंड ट्रोफोस्फेयर। यस एवरी वन, चैप्टर वाइज कराइए बेटा चंदन, चैप्टर वाइज में करा चुकी हूँ, चैप्टर वाइज में करा चुकी हूँ आपको। यस 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 सी स्ट्रेटोस्फेयर, यस वी ऑल नो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर के लिए भी यहाँ पे एक चीज आता है, ओजोन लेयर के लिए एक प्रोटोकॉल आता है, दैट इज मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आपका आता है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की अगर मैं बात करती हूँ तो ये इसके लिए था कि भैया आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है इसको हम क्या करें, यूज करना बंद कर दे भाई, कम यूज करो, राइट। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से भी कई बार क्वेश्चन आता है। आगे देखो, द ऑर्गेनाइजेशन विच पब्लिश्ड द रेड लिस्ट ऑफ स्पीशीज इज IFSCRE, IUCN, UNEP, WWF। बताओ कौन सा है जो रेड लिस्ट को करता है। अच्छा ठीक है, रेड लिस्ट के बारे में बता देती हूँ। रेड लिस्ट क्या है? हमारे पास इंडियन यूनियन ऑफ कंजर्वेशन फॉर नेचर एक आपका इंस्टीट्यूट है, या आप मान लो कुछ भी व्हाटएवर एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि हर साल ही मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम वही हैंडल करती है, वो एक रेड बुक जारी करती है। उस रेड बुक के अंदर कौन सी स्पीशीज एंडेंजर्ड है, कौन सी अबाउट टू एक्सटिंक्ट है, कौन सी एक्सटिंक्ट हो चुकी है, एवरीथिंग इज देयर। जो भी स्पीशीज आपकी खतरे में है, जानवरों की है, इंसानों की है, मतलब इंसानों की नहीं मतलब पौधों की है, वो हर चीज वहां पे ऑलरेडी है। और ये कौन करता है भैया? IUCN करता है, इंडियन यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। यस बी आंसर यहाँ पे हो जाएगा बेटा, ये आपको याद रखना है।
आगे देखो, आपके पास यहाँ पे दो मैच करना है, आपको एक लिस्ट वन है, लिस्ट टू है, मैच करना है। अर्थवर्म, सक्सेशन, इकोसिस्टम सर्विस, पॉपुलेशन ग्रोथ, पाइनियर स्पीशीज, डेट्रीवोर, नेटालिटी एंड पॉलिनेशन, पॉलिनेशन, सॉरी, यस, मैं स्ट्रक हो गई थी। चलिए Yes. अब देखो यहाँ पे हमको पता है कि जो अर्थवोम है, अर्थवोम आर डेट्रीवोर्स, तो ये आपका सेकंड आ जाएगा। पहले का सेकंड कहाँ है? पहले का सेकंड यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, सिर्फ यहाँ है, सिर्फ यहाँ है। बी हमारा क्या हो जाएगा? सक्सेशन, पाइनियर स्पीशीज, इकोसिस्टम सर्विस हमारी, पॉलिनेशन, पॉपुलेशन ग्रोथ हमारी, नेटालिटी, यस, फिक्स है, डी आंसर हो जाएगा। आगे देखो बेटा, स्पीशीज फेसिंग एक्सट्रीमली हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन इन द इमीडिएट फ्यूचर इज कॉल्ड, एक स्पीशीज है जो कि बहुत ज्यादा हाई रिस्क पे है कि इन फ्यूचर वो चली जाएगी, खत्म हो जाएगी, मिलेगी भी नहीं देखने को भी, आके तरस जाएंगी, वो क्या कहलाती है? वल्नरेबल, एंडेमिक, क्रिटिकली एंडेंजर्ड एंड एक्सटिंक्ट। अब देखो वल्नरेबल एक्स में है क्या? वल्नरेबल होता है कमजोर आदमी, कमजोर मतलब अगर अभी ध्यान नहीं दिया ना तो इन फ्यूचर गड़बड़ कर सकता है, बट फिलहाल गड़बड़ी में नहीं है तो ये नहीं होगा। एंडेमिक क्या होता है? कोई भी पर्टिकुलर एरिया है, उस पर्टिकुलर एरिया की जो स्पीशीज है, दोज स्पीशीज आर नोन एज एंडेमिक स्पीशीज, राइट? तो ये भी हमारा आंसर नहीं है। अब आता है क्रिटिकली एंडेंजर्ड, मतलब अगर अभी हमने स्ट्रिक्ट मेजर्स, मेजर्स का मतलब मापना नहीं, मतलब हमने स्टेप नहीं लिए तो इट विल बी लाइक टाटा बाय। तो सही आंसर हमारा क्या है? सी है, डी हमारा एक्सटिंक्ट जो विलुप्त हो गई है वैसे नहीं दिख रही है हमको, तो आंसर इज सी यहाँ पे। आगे देखो, प्लानेरिया पजेस हाई कैपेसिटी ऑफ मेटामॉर्फोसिस, रीजनरेशन, ऑल्टरेशन ऑफ जनरेशन एंड बायोल्यूमिनेसेंस। यस, बहुत इजी है, ये सबसे इजी है, इसका तो आंसर ऐसा है पढ़ते ही पता चल जाए। यस एवरीवन, बताइए जल्दी से, जल्दी से बताइए। अरे हार्ड क्वेश्चन है दीपक, अगर डेली क्लास लगाते ना तो ये हार्ड ही लगता। इशिता है, वैभव है, चंदन है, वासु है, शिवांगी है, नेहा है, नितेश है, निम्मी है, यशपाल है, अनन्या है, इशिता है, अनुष्का है, क्या ये अतोज बाबा, उत्कर्ष है, एस्पिरेंट है, जेपी है और शिखर है, कितने बच्चों के नाम पर बताऊं आपको, है ना? मैं अलोन बॉय है और मुझे ऐसा उम्मीद है कि एक्सपोज भी कहीं देख रहा होगा वीडियो, है ना? तो इतने सारे बच्चे तो ये कैसे सही आंसर कर ले रहे हैं, आपसे क्यों नहीं हो रहे? क्वेश्चन हार्ड नहीं है, रेगुलर नहीं हो, रेगुलर रहो, इजी लगेंगे कल को, दोबारा नहीं मात खाओगे। आंसर इज रिजनरेशन, हार्ड नहीं है बिल्कुल भी, ये मत बोलो हार्ड है बेटा। अगर आपको इतना, अगर आप डेली बेसिस पे मेरे सेशन लगाते हो उसके बाद अगर आपको क्वेश्चन हार्ड लग रहे हैं तो तौबा है। चलो भाई आगे देखो, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन डिस्क्राइबिंग गोनाडोट्रोपिन एक्टिविटी इन नॉर्मल प्रेग्नेंट फीमेल। कह रहा है नॉर्मल प्रेग्नेंट फीमेल है, वहां पे गोनाडोट्रोपिन की क्या एक्टिविटी रहने वाली है उसके लिए बता दो। कह रहा है हाई लेवल एफ एस एच एंड एल एच स्टिमुलेटिंग द थिकनिंग ऑफ एंडोमेट्रियम। फिर कह रहे हाई लेवल ऑफ एफ एस एच एल एच फैसिलिटेटिंग इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो, हाई लेवल ऑफ एच सी जी स्टिमुलेट द सिंथेसिस ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, हाई लेवल ऑफ एचसीजी स्टिमुलेट थिकनिंग ऑफ एंडोमेट्रियम। यस एवरीवन, बताइए बताइए जल्दी बताइए। यस चलो, कोई दिक्कत नहीं, कोई तकलीफ नहीं। देखो हमारे पास होता क्या है ना, जब प्रेगनेंसी होती है तो वहां पे कॉर्पस ल्यूटम 3 मंथ तक रहती है, 3 मंथ तक रहती है, उसके बाद नहीं रहती। प्लेसेंटा जो है दो हार्मोन सिक्रीट करती है, एक एचसीजी, एक आपका एचपीएल, राइट? एचसीजी का काम क्या होता है? एचसीजी आपका इनिशियली कॉर्पस ल्यूटम का साइज डिस्क शेप का कर देती है ताकि ज्यादा से ज्यादा प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन वो सिक्रीट करे। तो एचसीजी इनडायरेक्टली एस्ट्रोजन को और प्रोजेस्टेरोन को सिक्रीट कराती है और उनकी वजह से हमारा एंडोमेट्रियम थिकन होता है, राइट? तो यहाँ पे आपका आंसर क्या है? आपका आंसर बेटा तीसरे वाला है। आंसर क्या हो जाएगा हमारा?
थर्ड वाला है कि आपका सिंथेसाइज कराता है एस्ट्रोजन को और प्रोजेस्टेरोन को। कभी भी आपका FSH और LH हाई नहीं होगा, रीजन बीइंग एक एग था ओव्यूलेट होके उसने फ्यूज कर लिया, फर्टिलाइजेशन कर लिया, FSH का LH का कोई काम नहीं है वहां पे, FSH LH वैसे ही नहीं होंगे। दूसरा, एंडोमीट्रियम को HCG नहीं करता है आपका एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन करता है, तो ये इधर गलत हो गया। ठीक है, आगे चले बेटा, आगे देखो। ट्यूबेक्टोमी इज अ मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन इन विच स्मॉल पार्ट ऑफ फिलोपियन ट्यूब इज रिमूव्ड और टाइड अप, ओवरीज आर रिमूव्ड एंड सर्जरिकली, स्मॉल पार्ट ऑफ वासा डिफरेंशिया इज रिमूव्ड और टाइड अप, यूट्रस इज रिमूव्ड सर्जरिकली। यस, बताइए यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आप सभी का, जल्दी से मुझे बताइए। यस, बहुत जल्दी, फटाफट से। तो हम सबको पता है ट्यूबेक्टोमी यानी कि वासा डिफरेंशिया, वासा डिफरेंशिया जो कि आदमियों में होता है, मेल में होता है, उसको बंद करके टाई कर देंगे, बैरियर बना देंगे। अब हमारे पास जो स्पर्म आएंगे वो हमारे नहीं रहेंगे, सीमन के अंदर स्पर्मलेस सीमन रहेगा, नो सीमन, नो स्पर्म विल बी देयर, सीमन होगा, लिक्विड रिलीज होगा बट स्पर्म नहीं होगा, है ना। तो हमारा क्या होता है यहाँ पे, हमारे पास भैया वासा डिफरेंशिया को हम क्या कर देते हैं, सॉरी 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 उल्टा बता दिया मैंने, वैसेक्टोमी बता दिया ना, ट्यूबेक्टोमी लिखा है, आई एम सो सॉरी गाइस, आई एम सो सॉरी, ट्यूबेक्टोमी लिखा है। ट्यूबेक्टोमी इज इन फीमेल्स, जहां पे हम बात करते हैं किसकी, जहां पे बात करते हैं फेलोपियन ट्यूब की, फेलोपियन ट्यूब को बंद कर देते हैं यहाँ पे, उल्टा बोल दिया मैंने, मैंने वैसेक्टोमी एक्सप्लेन कर दिया, आई एम सो सॉरी अबाउट इट। यस यस, आंसर विल बी ए, यस आंसर विल बी ए, चलो गलती से मैंने थोड़ा सा वैसे डिफाइन कर दिया था, आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी। आगे देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हार्मोन रिलीजिंग इंट्रायूट्राइन डिवाइस, आईयूडी वो बताओ जो कि हार्मोन रिलीजिंग है, मल्टीलोड, एलएनजी, सर्वाइकल कैप एंड वोल्ट, एंड वोल्ट, यस यस, चलिए कोई बात नहीं, हो जाता है भैया, माइनर हार्ट अटैक हो गया था, कोई बात नहीं। देखो बात ऐसी है ना कि टीचर भी इंसान है, तो फोकस बोलने पे भी रहता है, देखने पे भी रहता है, आपके कमेंट्स भी रीड करने होते, तो कई बार हो जाता है ऊपर नीचे, इट्स ओके। यस यस यस, चलिए अब देखो, हॉर्मोन रिलीजिंग हमारी कौन सी है, मल्टीलोड की बात करूं तो ये तो कॉपर के आयन रिलीज करती है, ये क्या करती है, कॉपर के आयन रिलीज करती है, एलएनजी आपकी सही आंसर हो जाएगा, सर्वाइकल कैप और वोल्ट आपका बैरियर का है, ये आपका किसका है, ये आपका बैरियर का, फीमेल के अंदर यूज किया जाता है, एक और आता है डायफ्रेम जो फीमेल बैरियर में आता है, तो आंसर विल बी बी। आगे देखो, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी IVF इन्वॉल्व ट्रांसफर ऑफ अवम इनटू फेलोपियन ट्यूब, जायगोट इनटू फेलोपियन ट्यूब, जायगोट इनटू द यूट्रस, एम्ब्रियो विद 16 ब्लास्टोमियर्स इनटू द फेलोपियन ट्यूब। यस, बताइए जल्दी से, बताइए जल्दी से यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, चलो चलो बताओ फटाफट से। हम सबको पता है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी एक ऐसी है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के अंदर, इसने कहा इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में हम क्या करेंगे भैया बताओ, बी जायगोट इनटू द फेलोपियन ट्यूब, जायगोट इनटू द यूट्रस, यस सब कुछ ही हो सकता है, सब कुछ ही हो सकता है, ट्रांसफर ऑफ, यस बी 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 बी, यस कुछ भी तो हो सकता है। अब देखो इसने यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया 16 वाला जो ब्लास्टोमियर होता है ये हमेशा ही यूट्रस में जाता है बेटा, है ना, यूट्रस में जाता, तो ये तो कम से कम नहीं होगा। जायगोट इनटू यूट्रस, नो, जायगोट हमारा 8 सेल तक रहता है, उसके बाद वो मोरूला की कंडीशन में चला जाता है, 8 तक जायगोट है ना, 8 के बाद मोरूला हो जाता है, तो जायगोट तो फेलोपियन ट्यूब में जाएगा भाई, जायगोट तो फेलोपियन ट्यूब में जाएगा, तो आंसर इज बी, नो डाउटली बी, सी तो बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि जायगोट भी रहेगा यूट्रस के अंदर, आपका मोरूला जाता है, मोरूला, और मोरूला कब से कब है, 8 से 16 से 32 की जो बाद की स्टेज है वो आपकी किसकी आ जाएगी, सिंपल सी बात है, एक ही चीज की आएगी, दैट इज मोरूला। यस, आगे देखो, कह रहे कि द शेयर टर्मिनल डक्ट ऑफ अ रिप्रोडक्टिव एंड यूरिनरी सिस्टम इन अ ह्यूमन मेल इज यूरेथ्रा, यूरेटर, यूरेरा, वासा डिफरेंशिया, वासा एफरेंशिया। यस, बताइए बताइए, यस बहुत इजी है,
बहुत इजी है। देखो समझोगे ना, पढ़ोगे ध्यान से तो बहुत इजी है। अगर वैसे ही बस ये करना कि पढ़ते ही आंसर कर दो तो वो नहीं होता है, पहले समझ के पढ़ो ना, टाइम भी कम लगेगा। ऐसा पढ़ो एक बार में दोबारा ना पढ़ना पड़े, है ना। अब देखो इसने बोला सीधा सा कि भैया यूरिटर, एक बच्चे ने बोला आंसर, मैंने देखा निमी ने कहा जी यूरिटर होता है। यूरिटर क्यों बोलते हैं, यूरिटर कहाँ होता है, ये किडनी से निकलने वाली पाइप होती है, किडनी से निकलती है वो वाली पाइप होती है, किडनी से लेके आपका यूरिथ्रा, यूरिथ्रा भी यूरिनरी ब्लेडर जो हमारा होता है, यूरिनरी ब्लेडर जो होता है उस यूरिनरी ब्लेडर तक जो लेके जाने का काम करता है हमारे सुसु को, वो यूरिटर्स होते हैं, दो यूरिटर्स होती पाइप्स। तो ये कैसे हो जाएगा बेटा, बिल्कुल भी नहीं होगा। फिर कह रहे वासा डिफरेंशिया, वासा डिफरेंशिया कौन सा आपका यूरिनरी के साथ शेयर्ड है भैया, वासा डिफरेंशिया, वासा डिफरेंशिया ओनली रिप्रोडक्टिव में है, नॉट इन आपका किसमें, आपका यूरिनरी में। यूरिथ्रा इज द वन, यूरिथ्रा इज द वन जो हमारे पीनस के बीचों बीच से जो नली आती है, दैट इज कॉल्ड यूरिथ्रा। इजैक्युलेटरी डक्ट इसका दूसरा नाम है बेटा, ध्यान है, इसको हम एक और वर्ड बोलते हैं, इजैक्युलेटरी डक्ट के नाम से भी जानते हैं। ये हमारी शेयर्ड वन है, अगर किसी ने ध्यान से पढ़ा होता शुरू में ही तो आपको बी पे तो जाना ही नहीं था। आपके बायो के अंदर फायदा ये है, आपको कैलकुलेशन नहीं करनी, प्रश्न पढ़ते ही आंसर दिमाग में आता है, बस ढूंढना होता है, ठीक है। इस बनाओ ये चीजें थोड़ी सी, चलो कोई दिक्कत नहीं है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, हल्की सी चीज है, देखो गड़बड़ नहीं करनी है। आगे देखो, मेन फंक्शन ऑफ ए मैमेलियन कॉर्पस ल्यूटम इज टू प्रोड्यूस एस्ट्रोजन ओनली, प्रोजेस्टेरोन, ह्यूमन क्रॉनिक गोनाडोट्रोपिन एंड रिलैक्सिन। यस बताइए कॉर्पस ल्यूटम का मेन फंक्शन क्या है। आप सबको पता है कि एचसीजी प्लेसेंटा से आएगी, ये प्लेसेंटा से रिलीज किए जाएगी भैया। एस्ट्रोजन हमारी कहाँ से आती है, ये ग्राफियन फॉलिकल से आती है, कहाँ से, ग्रैफियन पॉलिकल से आती है। रिलैक्सिन हमारी ओवरी से आती है तो ओवरी से, बट कोई प्रॉब्लम नहीं। आंसर क्या रह गया एक यहाँ पे, दैट इज प्रोजेस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन विल बी द करेक्ट वन, राइट, ये हो जाएगा भाई। आगे देखो, अ मैन हुज फादर, ध्यान से सुनना, अ मैन हुज फादर वाज कलर ब्लाइंड मैरिज अ मैन, मैरिज अ वीमेन हु हैड अ कलर ब्लाइंड मदर एंड normal father, right? What percentage of male children of this couple will be color blind? Color blind का पूछा है, 25, 0, 50 and 75। पहली बात तो father उसका color blind है, है ना? Father अगर color blind है तो लड़का का भी color blind होगा। For example उसका मान लो father color blind था, है ना? अब उसकी मम्मी तो कहती थी, उसकी मम्मी तो normal थी ना, तो वो जब बना होगा तो उसके अंदर तो कहीं भी color blind का आया होगा। सीधी सी बात है, यहाँ पे जो लौंडा हमारा बना है, लड़का जो हमारा बना है, वो क्या बना होगा, नॉर्मल है। तो फादर से कभी भी फादर से बच्चे के अंदर, सन के अंदर, कभी भी, फादर टू सन, कभी भी हमारा वाई क्रोमोसोम जो आता है उसके कारण कलर ब्लाइंडनेस नहीं आती है, क्योंकि वो एक्स पे होता है, राइट। तो मतलब लड़का हमारा यहाँ पे नॉर्मल है, लड़का हमारा क्या है भाई, नॉर्मल है। फिर उसने कहा कि उसका जो फादर है, लड़की जिससे शादी करता है उसका जो क्या है भाई, फादर है, वो फादर नॉर्मल है, मदर कलर ब्लाइंड है। तो सीधी सी बात है, फादर नॉर्मल है तो उससे नॉर्मल वाला एक्स क्रोमोसोम आएगा, मम्मी के दोनों जीन खराब है तो एक भी आएगा तो कैरियर तो वो है ही है, गारंटेड कैरियर है। तो चलो जी एक कैरियर है, अब कलर ब्लाइंड पूछा है। अब मुझे बताओ कि यहाँ पे अगर मैं इसका ये चांसेस बना देती हूँ तो इसने क्या पूछा है, कलर ब्लाइंड कितने हैं, कलर ब्लाइंड कितने हैं बताओ, कितने हैं कलर ब्लाइंड। अब बहुत सारे बच्चे यहाँ पे ना 50% बोलेंगे, क्यों भैया, अच्छा अच्छा ठीक है, ओके ठीक है, अच्छा ठीक है, फिर आप सही बोल रहे हो, 50 बोल रहे हो, ठीक बोल रहे हो, ठीक है, मेरे को लगा था आप दूसरे कॉन्टेक्स्ट में बात करोगे। अब देखो यहाँ पे, अब कुछ बच्चे तो 50% इसलिए बोल रहे हो क्योंकि यहाँ पे दो बोल रहे हैं वो, बट इसने ना स्पेसिफाई कर दिया है, इसने ना यहाँ पे स्पेसिफाई किया है कि मेल चिल्ड्रन का परसेंटेज बताना है, मेल कितने हैं, दो, एक ये 100% मेल है, दो मेल 100% है, एक मेल ये वाला हमारा कलर ब्लाइंड है, 50% मेल हमारा कलर ब्लाइंड है, तो आंसर विल बी 50%, आंसर विल बी 50%। इस तरीके के सवाल काफी सारे पूछे जाते हैं, सोचो अगर इसने ये कहा होता कि हाउ मैनी परसेंटेज ऑफ प्रोजेनी विल बी नॉर्मल, तो यहाँ पे कैरियर वाली है तो क्या आप इसको नॉर्मल में कंसिडर करते, ना बिल्कुल भी नहीं करते, ठीक है। चलिए आगे चलिए बेटा, कह रहे कि इन अ पॉपुलेशन ऑफ 100 इंडिविजुअल्स 360 बिलोंग्स टू जीनोटाइप,
360 belongs to genotype A, 482 A and remaining 162 AA. तो आपको बताना है कि यहाँ पे A का फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा। देखो कब अगर ऐसा कभी भी सवाल आ जाए, फ्रीक्वेंसी जब हमको निकालनी हो तो हमको क्या करना होता है, हमको यहाँ पे लिखना होता है कि जो हमारा जो रिसेसिव है, ये हमारा रिसेसिव है और यहाँ पे टोटल हमारी जनरेशन है और इज इक्वल टू हमारा क्या है, ये उसकी पक्की जीन फ्रीक्वेंसी है, ये उसकी क्या हो जाती है, जीन फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे हो सकता है डोमिनेंट भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि कोई भी एक हो सकता है। पूछा किसका है इसने, डोमिनेंट वाले की। चलो जी देख लेते हैं, डोमिनेंट कितने हमारे हैं, 360 है। कितने हैं जी, 360, 360 डोमिनेंट है। टोटल कितने हैं हमारे जी, देखो 1000 है यहाँ पे। कोई दिक्कत कोई परेशानी वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत कोई परेशानी वाली बात नहीं है। काट दो इसको, इधर से काट दो, 0.36 हो जाएगा, 0.36 हो जाएगा। ठीक है, ये हमको अच्छे से मालूम है। अब आपको कि मैम 0.36 हो गया, क्या ही फर्क पड़ा बेटा, स्क्वायर भी तो है ना, उसका स्क्वायर भी तो आएगा यहाँ पे, जीन फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर। जब ये स्क्वायर उधर जाएगा तो 0.6 हो जाएगा भैया, इसका जब हम स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर रूट उसका जब हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 0.6 इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा, राइट। तो आंसर इज 0.6, आंसर इज 0.6। ठीक है, क्योंकि हमारे पास फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर यहाँ पे सामने बैठा होता है, वी ऑल राइट। चल कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है, हमको कोई परेशानी है ही नहीं यहाँ पे, राइट। आगे देखो, फॉरलिम्स ऑफ ए कैट, फॉरलिम्स ऑफ ए कैट लिजर्ड यूज्ड इन वॉकिंग, फॉरलिम्स ऑफ व्हेल यूज्ड इन स्विमिंग एंड फॉरलिम्स ऑफ बैट यूज्ड इन फ्लाइंग, एग्जाम्पल ऑफ एनालॉगस अडेप्टिव एंड होमोलॉगस एंड कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। यस, अब मुझे बताइए, ये काफी अच्छा सवाल है, ये काफी अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। यस, 360 बाय, बेटा 0.6 नहीं आएगा, उसका स्क्वायर भी करेंगे मुराद, उसका स्क्वायर भी करेंगे। यस, स्क्वायर भी तो करना है ना उसका, बताओ जल्दी से। देखो नीतीश, उसमें कुछ नहीं करना था, हमारे पास वहां पे 360 की पॉपुलेशन थी, बाय 1000 था, ये मेरा क्या था, ये मेरा पी स्क्वायर था। ठीक है, ये मेरा पी स्क्वायर था क्योंकि हेटरोजाइगस कंडीशन थी ना वहां पे। चलो यही बता देती हूँ, यहाँ पे कैसी कंडीशन है, हेटरोजाइगस कंडीशन। देखिए भाई, ये वाली चीज देखो, ये वाली चीज देखो, दिख रही है तुमको, इसने खाली पी नहीं था, यहाँ पे हेटरोजाइगस कंडीशन है और हेटरोजाइगस में हमारा डोमिनेंट होता है पी स्क्वायर। पी स्क्वायर कितना होगा, 360 बाय में मेरा ये 10 से 10 कैंसिल, तो पी स्क्वायर इज इक्वल टू 0.36, पी इज इक्वल टू इसका स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट यानी कि 0.6, खत्म कहानी, कुछ भी नहीं था इसके अंदर। और यहाँ पे हमारे पास आंसर आएगा क्या, होमोलोगस, होमोलोगस आएगा क्योंकि स्ट्रक्चर सबका सेम है बट आपका फंक्शन डिफरेंट है, एक तैरने का काम, एक उड़ने का काम, एक चलने का काम कर रहा है, फंक्शन इज डिफरेंट अदरवाइज स्ट्रक्चर इज सेम। आगे, इन ह्यूमन फीमेल विद अ टर्नर सिंड्रोम हैज 45 क्रोमोसोम विद एक्सो हैज वन एडिशनल क्रोमोसोम एग्जिबिट मेल कैरेक्टर इज एबल टू प्रोड्यूस चिल्ड्रन विद नॉर्मल हस्बैंड। यस एवरीवन, बताइए जल्दी से, चलिए कोई प्रॉब्लम परेशानी हो तो मुझे बताइए। यस, होमो एंड डाइवर्जेंट, HD याद कर लो, HD एंड AC। यस मैम, 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 हां जी बेटा, क्या हो गया चंदन? We all know, XO है तो है 45 क्रोमोसोम विद XO. Yes, no doubt, the answer is A. कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। Yes, आगे चले, आगे क्या कह रहे हैं कि which one of the following are analogous structure? Analogous बता रहे हैं कौन सा है? Wings of bat and wings of pigeon, wings of gills of prawn and lungs of min. फिर बोल रहे thorns of bougainvillea and tendril of cucurbits. फ्लिपर ऑफ डॉल्फिन एंड लेग्स ऑफ हॉर्स। एनालॉगस का मतलब क्या होता है? एनालॉगस का मतलब है डिफरेंट स्ट्रक्चर, डिफरेंट स्ट्रक्चर बट सेम फंक्शन, बट सेम फंक्शन, राइट। चलिए बताइए क्या हो जाएगा यहाँ पे, कहाँ पे सेम फंक्शन दिखाई दे रहा है आपको, कहाँ पे सेम फंक्शन आपको दिखाई दे रहा है? Where you can see it, where you can say it. Yes, D, कहाँ पे आपको दिख रहा है बेटा? Flipper of dolphin and this and that. बताओ ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, बहुत ज्यादा ध्यान से, अच्छे से देखोगे तो पता चलेगा, अच्छे से नहीं देखोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। Which one of the following are analogous structure? Wing of bat and wing of pigeon, gills of prawn and lungs of man, throne of bougainvillea and tendril of cucurbits, flippers of dolphin and legs of horse. देखो ध्यान से, हाँ
देखो बहुत सारे बच्चे यहाँ पे ए आंसर कर रहे हैं ये सोच के कि भैया हमारा पिजन सेम होगा। हैव यू एवर स्टडीड एनाटॉमी ऑफ पिजन विंग? आपने कभी पिजन विंग देखा है? इसका स्ट्रक्चर भी लगभग सेम है, फंक्शन भी लगभग सेम है। यहाँ पे हमको टोटली डिफरेंट चीज चाहिए, टोटली। आपको बस एक ध्यान है ये वाला, पिजन के साथ में अगर ये बोलता आपका तितली के साथ, कीड़े के साथ, तो मे भी मैं इसका एग्जाम्पल कर देती, सही। बट अगर आप यहाँ पे इसके दो केस बन रहे, देखो ये क्वेश्चन आपका वन ऑफ द PYQ है, लेट मी टेल यू इट इज वन ऑफ द PYQ, एंड हियर आप देखोगे तो एक ये है फ्लिपर ऑफ डॉल्फिन एंड लेग्स ऑफ हॉर्न, टोटली अपोजिट। ना तो फंक्शन की सिमिलैरिटी है इनके बीच में, ठीक है, और ना ही सिमिलैरिटी है स्ट्रक्चर की, तो ये तो है ही नहीं। ये टोटल होमोलोगस है, इट इज ट्रूली होमोलोगस, हमको पता है ये होमोलोगस है। अब हमारे पास आंसर आए दो, जी हमारा इनमें से क्या होगा, हमको सिमिलैरिटी लग रही है, सिमिलैरिटी लग रही है यहाँ पे, ठीक है, यस सिमिलैरिटी लग रही है। अब हम क्या करेंगे, देखो मैंने दो तो एलिमिनेट कर दिए हैं, दो तो एलिमिनेट कर दिए हैं, अब आप क्यों नहीं आंसर करोगे, है? बताओ जल्दी से। देखो जब आप एक बैट और जब ये पिजन आपका एक ही हैबिटेट में, बैट और पिजन सेम हैबिटेट में रहेंगे, ये आपके सेम हैबिटेट में रहेंगे तो सिमिलैरिटी दिखा देते हैं, सिमिलैरिटी दिखा देते हैं, इट्स नथिंग न्यू, नथिंग न्यू है ना। इनके स्ट्रक्चर में भी सिमिलैरिटी है, इवन दे आर हैविंग अ क्वाइट सिमिलर स्ट्रक्चर, क्वाइट सिमिलर, ज्यादा नहीं बट हाँ काफी हद तक मिलता है। गिल्स ऑफ प्रॉन लंग्स ऑफ मैन, ये ज्यादा करेक्ट हो जाएगा क्योंकि ये हमारे सांस लेने के लिए, यहां से हमारा प्रोन उसके सांस लेने का जरिया है, यहां से हमारे लंग्स सांस लेने का जरिया है, ठीक है। एक्चुअल जो होगा वो आपका ये हो जाएगा, फंक्शन सेम बट टोटली डिफरेंट स्ट्रक्चर, ठीक है, यस यस होमोलोगस था बेटा। एंड नाउ ये हमारी क्लास थी, हो गई 30 क्वेश्चंस आज से कंप्लीट। नाउ वी ऑल नो हमारा जो टाइम है वो 5 PM का है, और यहाँ पे आपके पास कोड है Y697S, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हो आपके किस चीज के लिए भी, या बैच के लिए आपको करना है क्या, अदर 24/7 पे जाना है, ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है। जब वहां पे जाओगे तो आपको वहां पे दिखेगा ऑल कोर्स का ऑप्शन, ऑल कोर्स का एक ऑप्शन दिखेगा, तो वहां से अंडर ग्रेड में जाओगे, CUET में जाओगे, साइंस वाले में जाओगे, यहाँ पे आपके पास प्रतिज्ञा 2.0 है, आपको काफी महंगा दिख रहा होगा बट हमको लगा थोड़ा सस्ता था भैया, और वैसे आपका आखिरी टाइम है इसमें कर लोगे तो ठीक है, नहीं उसके बाद कुछ नहीं है करने के लिए, उसके बाद तो बस रिवीजन बचेगा, प्रैक्टिस बचेगी, दैट्स द आखिरी चांस जिसमें आप कर सकते हो चीजें, राइट। और ये हमारा आता है Y697S, हमने डाला, अप्लाई किया और यहाँ पे मिल जाता है डिस्काउंट, देन इफ यू वॉन्ट टू गेट डिस्काउंटेड, आपको चाहिए अच्छा खासा डिस्काउंट, देन यूज द कोड Y697N। थैंक यू सो मच गाइज, एंड Don't forget to like the video. If you enjoyed the video, do like the video, do share the session, and do subscribe the channel. दोस्तों को share कर देना. Thank you so much, guys. And my gulabi dills, बहुत अच्छे से कर रहे हो, आपसे भी बहुत अच्छा कर रहे हो. ऐसे ही करती रहो, मेहनत करती रहो, और जिंदगी में बहुत अच्छा आप हासिल करोगे. Goodbye. 5 बजे मिलते हैं कल.